हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम टच कमांड से रिलेटेड एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम टच कमांड की हेल्प से मल्टीपल फाइल्स में एक साथ टाइम स्टैम्प को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो प्री रिक्वेस्ट थे वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। हमने देख लिया कि कैसे हम टच कमांड की हेल्प से कस्टमाइज टाइम सेट कर सकते हैं या फिर रेफरेंस लेकर किसी फाइल के टाइम को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हमारे को क्लियर हो गई, बट मेन पॉइंट है कि कैसे अब मल्टीपल फाइल्स पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि जैसे हम सिनेरियोस समझते हैं कि अगर प्रोजेक्ट में आपके पास मल्टीपल फाइल्स है, बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जिनके ऊपर आपको एक साथ टाइम अपडेट करना है, तो उस सिनेरियो में हम कैसे टच कमांड का यूज़ करेंगे। क्योंकि सिंगल कमांड का हमने देख लिया, सिंगल फाइल का हमने देख लिया कि सिंगल फाइल का नेम हमने पुट किया और वो वहाँ पे अपडेट हो गया, बट मल्टीपल फाइल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सेशन को हम कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूंगा, मैं उस डायरेक्टरी को आपको शो कर दूंगा जिस डायरेक्टरी पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये चीज़, और दो तीन फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उस फाइल के ऊपर पहले हम देखेंगे कि कैसे कस्टमाइज टाइम को एक साथ सब पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे रेफरेंस वाला प्रोसेस भी रिपीट कर सकते हैं हम एक मल्टीपल फाइल्स के लिए। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं सेशन को। तो देखते हैं पहले रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क एल एन के। वर्क एल एन के क्या करता है, ये वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक ओपन करके देगा आपको। अब इस एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, तीन फाइलों को पिक करेंगे इसी इस प्रोग्राम इसी लोकेशन से। ठीक है, कोई अदर डायरेक्टरी ओपन नहीं करेंगे, इसकी लोकेशन से तीन फाइल हम पिक कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे पेज डाउन करता हूँ, तो पहला हमारे पास क्या आ गया, जैसे पहला फाइल है हमारे पास mysplf.pdf, दूसरा हम ले लेंगे rryy.txt और थर्ड ले लेंगे splf.pdf। ठीक है, ये तीन फाइलें हम पिक करेंगे। क्लियर, तो ये तो तीन हमने फाइल समझ ली। अब ऐसे ही क्या होता है, प्रोजेक्ट में और भी फाइल्स हो सकती हैं जहाँ पे आप जिस भी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हो, तो आप उस तरह से सारी फाइल्स सेलेक्ट करके और फिर हम टच कमांड की हेल्प से उन सबको एक साथ अपडेट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी के लिए इनका टाइम स्टैम्प देख लेते हैं क्या सेट हुआ हुआ है। देखो यहाँ पे क्या 6/4/23, ठीक है, RR के लिए देखते हैं, इसके लिए भी 6/4/23 है, और SPLF के लिए भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी 6/4/23 है। ठीक है, तो अब एक ऐसी कमांड टच कमांड चलाएंगे जिससे ये तीनों का डेटा अपडेट हो जाएगा टाइम स्टैम्प का। तो मैं यहाँ से एक कमांड कॉपी कर लेता हूँ, मैंने एक कमांड यहाँ लिखी हुई है, फिर डायरेक्टली उसको स्क्यूशल पर रन करके देखेंगे। तो यहाँ से F4 किया हमने, जस्ट ये पैटर्न मैं कॉपी कर रहा हूँ, बाकी फिर हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे बैक और यहाँ लिखेंगे QSH। अब QSH क्यों लिखते हैं, QSHL कमांड स्क्रीन को ओपन करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे QSH, एंटर किया, तो ये QSHL कमांड एंट्री स्क्रीन हमारी ओपन हो गई। अब इस स्क्रीन पे सबसे पहले आपको लिखना है इस तरह से टच लिखोगे, उसके बाद में आपको देना -t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसा इस सेशन की हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम मल्टीपल फाइल्स को एक साथ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, मल्टीपल फाइल्स पे एक साथ डेटा अपडेट करने वाले हैं, तो उस केस के लिए पहले आप कस्टमाइज टाइम यहाँ पे सेट कर दो, जो भी टाइम आपको सेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2020, इसको कर देते हैं 4। ठीक है, 01 यहाँ पे हो गया 01 01 और 12 11, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कस्टमाइज टाइम सेट कर दिया। अब आपको स्पेस देना है, जैसा कि हमारा होम डायरेक्टरी है तो इसलिए मैं पाथ अभी के लिए नहीं दे रहा हूँ, बट आप लोग हैबिट ऐसी रखना कि जब भी आप इसको यूज़ करो तो आप पाथ प्रोवाइड करो। क्योंकि होता क्या है, अभी तो जैसे मैं डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बट प्रोजेक्ट में अगर आप इस तरह से डायरेक्ट यूज़ करोगे तो वो बाद में आपको इशू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं अपने फाइल नेम को, जैसे मैंने पहला फाइल का नेम कॉपी किया mysplf.pdf, तो सिंपली यहाँ पे लिखना है। फिर सेकंड फाइल देखेंगे, सेकंड फाइल है हमारे पास rryy.txt, तो इसको कॉपी किया, एक स्पेस रखना है, पेस्ट करना है, और थर्ड फाइल है हमारी splf.pdf, इसको भी आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो अब हमारी कमांड क्या हो गई, कमांड हो गई touch-t स्पेस कस्टमाइज टाइम स्टैम्प आ गई, जिसमें हमने लिखा है 2024 January 1st, टाइम हो गया 12:11, और फाइल कौन से अपडेट करने को बोल रहे हैं, mysplf.pdf,
rryy.txt और splf.pdf, ठीक है, ये कस्टमर्स टाइम है। अब इसको कर देंगे अपन एंटर। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, कोई भी इसने एरर जनरेट नहीं किया, इसका मतलब हमारी जो फाइल थी वो तीनों अपडेट हो चुकी हैं। वेरीफाई करने के लिए सेशन ए पे चलते हैं वापस और इस स्क्रीन को रिफ्रेश करके फिर से ओपन कर लेते हैं वर्क एल एन के। अब अगर अपन उन तीनों फाइल का टाइम स्टैम्प वेरीफाई करेंगे तो वो अपडेटेड होना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं myspilf.pdf से। इस पर लेंगे ऑप्शन 8, डिस्प्ले एट्रीब्यूट स्क्रीन आ गई, यहाँ से पेज डाउन, तो आप देखोगे 1st of January 2024 12:11 इसने अपडेट कर दिया कहाँ कहाँ पे, लास्ट एक्सेस डेट टाइम पे और डेटा चेंज डेट टाइम पे, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट फाइल। क्या ये सेकंड फाइल को भी अपडेट किया? ऑप्शन 8 लेंगे rryy.txt पे, पेज डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा लास्ट एक्सेस डेट टाइम डेटा चेंज डेट टाइम जो है वो अपडेट हो गया है। उसी तरह से splf.pdf देखेंगे और यहाँ पे अगर इसको पेज डाउन करेंगे तो वो भी उसी टाइम स्टैम्प से अपडेट हो गया जो हमने कस्टमाइज सेट करी थी। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको मल्टीपल फाइल्स को एक साथ अपडेट करना हो तो आप टच कमांड का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम रेफरेंस को भी इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था रेफरेंस कॉन्सेप्ट, तो देखते हैं। यहाँ पे हम इस फाइल का रेफरेंस ले लेंगे splf.pdf, देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा या इशू देगा कुछ, तो इसको करेंगे F9। हमने किया F9 करने के बाद में यहाँ पे आपको बस लिखना है -r, इसको हटा देंगे और इस जगह पे ये फाइल का नेम डालते हैं और एंटर करते हैं। तो अभी एग्जीक्यूट तो हो गया है प्रॉपरली, अब चेक कर लेते हैं एक बार कि ये रेफरेंस फाइल से इसने अपडेट कर दिया क्या। रिफ्रेश करेंगे, F9 करेंगे और यहाँ पे 8 ऑप्शन से MySPLF 6423 इसने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये हमारा था वो एग्जीक्यूट हो गया है प्रॉपरली, हमने पहले 1st January करा था और वो अब अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल फाइल्स के ऊपर इस टच कमांड की हेल्प से टाइम स्टैम्प अपडेट कर सकते हो। आप चाहो तो कस्टमाइज टाइम भी अपडेट कर सकते हो और अगर आप चाहो तो रेफरेंस लेकर भी अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को अगर आपको CL प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करना हो तो उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिंपल एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है जहाँ से अभी हमने कमांड कॉपी की थी। तो वहाँ क्या लिखा, प्रोग्राम टू अपडेट टाइम स्टैम्प फॉर मल्टीपल फाइल्स। पहले आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, DCL लिख के आप F4 प्रेस करोगे, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद CHGVAL लिख के F4 करना है, यहाँ पे कमांड आ जाएगी जैसे touch-t, ये कस्टमाइज टाइम आ गया अपना किस किस पे, myspilf.pdf पे और rryy.txt पे। उसके बाद में strqsh आपको करना है और वेरिएबल को प्रोवाइड करना है, जिस भी वेरिएबल पे आपको कमांड आपने सेट करी है उस वेरिएबल को यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से फाइल करके एग्जिट करना है, प्रोग्राम कंपाइल और कॉल करना है। अगर कोई एरर होता तो यहाँ पे एरर आ जाता, बट एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि हमारी जो कमांड थी वो एग्जीक्यूट हो गई है। तो वर्क एल एन के करेंगे और दो फाइल जो हमने यूज़ की थी उस टाइम स्टैम्प देख लेते हैं एक बार। ये देखो 1/1/23/12, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर 1/1/23/12 ही हमने सेट किया था, जिसमें 1 है January 1st 2023 और टाइम हो गया 12:00। ठीक है, तो ऐसे इस सेम प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हो जब भी आपको प्रोजेक्ट में टाइम स्टैम्प को अपडेट करना है। बस आपको मेक श्योर ये करना है कि आप इंटेंशनली किसी फाइल को अपडेट कर रहे हो, अदरवाइज वो टाइम स्टैम्प आपका चेंज कर देगा। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल टास्क है, बट आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया कि कौन सी कमांड हम कब यूज़ करते हैं। और बाकी केस सेंसिटिविटी का सेम ही रूल है कि अगर आप -t लिख रहे हो तो कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल ही होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा। -r लिख रहे हो तो उस केस में भी वो एरर देगा अगर आपने -r कैपिटल में लिखा। ठीक है, अदरवाइज आप जो भी सिनेरियो रन करना चाहते हो जितने भी फाइल के ऊपर वो आप वहाँ पे पुट करोगे तो वो उन फाइल्स को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सब चीज़ें अब आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड बाकी टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।